हैं विनती, अभी विनती करना बाद में ही करूंगा। तो ठीक है भैया, मेरी आवाज आ रही है सबको अच्छे से? अब तुम्हें थोड़े कह रहा हूँ, ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है? हाथ खड़ा कर लो एक बारी प्यार से, माता के दरबार में सही भक्तजन। ओहो चलो, अबे आयुष तोर को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, बता तेरे को आ रही है आवाज? चल तो ये देखिए, सबसे सबसे सस्ती लीड है ये, महंगी लीड से इनको आवाज नहीं आती, सबसे सस्ती लीड यूज कर रहा हूँ, ठीक है? देखिए भैया, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था भैया कि वर्क क्या होता है। तो वर्क मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, किसी के अंदर एनर्जी ट्रांसफर करनी है तो आप उसके ऊपर वर्क कर दो, तो उसके अंदर क्या आएगी? एनर्जी आ जाएगी। और फिर मैंने बताया था भैया कि वर्क जो होता है वो फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के क्या होता है, बराबर होता है। वो वाला फोर्स जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बहुत सारे फोर्स लगे लेकिन किसी की वजह से डिस्प्लेसमेंट नहीं हो तो वहां पर आपको उसको कंसिडर नहीं करना, आपको केवल वही फोर्स कंसिडर करना है जिसकी वजह से एक्चुअली में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है भैया, तो हमने देखा था एक ब्लॉक पे हमने फोर्स लगाया था थीटा एंगल से, तो उस फोर्स के दो वेक्टर हुए थे, एक एफ कॉस थीटा, दूसरा एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा का कोई रोल नहीं था डिस्प्लेसमेंट में, केवल एफ कॉस थीटा का रोल था। तो हमने क्या कर दिया भैया, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट में जो फोर्स लिया वो एफ कॉस थीटा लिया था, और डिस्प्लेसमेंट के यहाँ पे एक्स ले लिया। तो हमारा वर्क का फॉर्मूला आया था एफ एक्स कॉस थीटा, और इसी फॉर्मूले को लेके हमें चलना। फिर उसके बाद आया था भैया ग्राफ। ठीक है भैया, मैंने कहा था फोर्स कांस्टेंट है, तो फोर्स कांस्टेंट रहेगा तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो रेक्टेंगुलर बनेगा। कैसे बनेगा? रेक्टेंगुलर। और अगर आप उस रेक्टेंगल का एरिया निकाल दोगे तो आपको बर्डन मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बताया था फोर्स वेरिएबल है लेकिन चेंज कांस्टेंट है, तो उस केस में आपका ग्राफ जब बनता था वो ट्राइंगुलर बनता था, याद है ट्राइंगुलर? ठीक है भैया, उस केस में अगर आप ट्राइंगल का एरिया निकाल दोगे तो आपका वर्क आ जाएगा। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि भैया अगर आपका फोर्स वेरिएबल है और चेंज कांस्टेंट नहीं है, फोर्स वेरिएबल बट चेंज इज नॉट कॉन्स्टेंट, तो उस केस में आपका ग्राफ क्या होगा, लहर मारता हुआ निकलेगा। तो उसमें हमने क्या किया था भैया, हमने छोटी सी स्ट्रिप ली थी जिसकी विड्थ क्या थी dx और लंबाई क्या थी f थी, तो उसका एरिया क्या आएगा f इनटू में dx, छोटा एरिया छोटा वर्क छोटी सी स्ट्रिप। मुझे पता है इसके अलावा बहुत सारा एरिया, तो हमने क्या किया भैया इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन का बेसिक पार्ट मैंने आपको बता दिया था, ये था एक छोटा क्वेश्चन करा के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है भैया, उसके बाद टाइप्स ऑफ वर्क। तो भैया देखिए वही तीसरे वाले क्वेश्चन पे, तीसरे वाले केस में, तो भैया मैंने बताया था एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इफ एफ इक्वल्स टू मी आर टू एक्स, तो फाइंड द वर्क एक्स वन 1 मीटर टू एक्स टू 4 मीटर। आपको वर्क निकालना है, अगर फोर्स आपका ये है, फोर्स वेरिएबल है, तो आपको यहां से आते का वर्क निकालना है। खोल दे बेटा जी, दरवाजा बंद मत किया करो, भेड़ दिया करो बस। ठीक है भैया, तो आपको पता है भैया इस केस में वर्क क्या होता है, याद है एफ डी एक्स एक्स वन एक्स टू। एफ क्या है भैया? 2x है। क्या है? और क्या है भैया? डी एक्स है। और ये क्या होगा? एक्स वन क्या बेटा? 1 मीटर। और एक्स टू क्या बेटा? यार डिस्टर्बेंस, यार प्लीज डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मुझे। अरे बस 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 छोड़ यार, मार खा लिया मेरे लिए, मार खा लिया। देखिए भैया, तो आपको भाई प्लीज, आपको पता है कांस्टेंट वेरिएबल साथ में है, तो बाहर कांस्टेंट आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? एक्स डी एक्स 1 से लेके 2, याद है बेटा 1 से लेके 4 2। आपको पता है एक्स की पावर क्या, यहाँ पर 1 है, इंटीग्रेशन के बाद पावर क्या होती है, 1 ऐड हो जाती है, तो यहाँ पर क्या होगी 2 हो जाएगी, और वही क्या होगी डिवाइड होगी। यहाँ पे पावर 2 होती तो इंटीग्रेशन के बाद क्या होता, पावर 3, और डिवाइड बाय 4 होती पावर तो 5 डिवाइड बाय, समझ गई गुड़िया, 1 और 4। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी कह दो लेकिन सुधार आ रही नहीं है, लड़के होते ना फिर बताता मित्र को। ये पता है हर्षजीत ना मेरी क्लास में बोलता था, नहीं आप पूछियो सुबह आके देखिएगा, सबसे सीधा बच्चा हर्षजीत था। ये पता है सुबह के बैच में बोल भी नहीं पाता बेचारा ढंग से। ठीक है, एक बार ओए, एक बार अपर लिमिट रिप्लेस करेगी तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर, एक बार लोअर करेगी तो 1 का स्क्वायर, बीच में क्या होगा -1, माइनस आएगा, तो क्या होगा 16 - 1 = 15 जूल आपका वर्क आ गया। याद है इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं फोर्स वेरिएबल पे, वेरिएबल फोर्स पे। ठीक भैया, खैर टाइम नहीं अपने पास, फोटो ले लो भैया प्यारी सी, अभी मत लिखो, नोट्स मिल जाएंगे अपने, नोट्स लिखना, कोई एक बंदा फोटो ले बढ़िया ले, शार्प टू के लिए बेटा।
पता बोल भी नहीं पाता बेचारा वो। मिलना पड़ेगा एक बार उससे। नहीं नहीं देगा, उसे जानता है मैं कितना हरामी हूँ, वो जानता है। तो ऐसी बात किया थी और क्या, मेरे से उसका क्या काम पड़ेगा, फिजिक्स का हूँ मैं अभी, वो भी सीखता है मेरे, यही होगा कहीं पीटे उठेगा तो बताएगा, मैं अपने बंदे से पिटवा दूंगा, अपने बंदे से बचवा दूंगा भेज के। हो गया बिटो दू फोटो खेल ली बेटा, भेज दियो अच्छी सी फोटो खींचो, देखिए भैया। अब देखिए भैया, वर्क के तीन टाइप होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ध्यान दीजिएगा भैया, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है भैया। चलो देखते हैं भैया, तो टाइप ऑफ वर्क बात करें, टाइप ऑफ वर्क की तो हमारे पास तीन टाइप के वर्क है, टाइप ऑफ वर्क। तो भैया हमारे पास तीन टाइप है, पहला वर्क क्या भैया पॉजिटिव, दूसरा वर्क क्या भैया नेगेटिव, और तीसरा वर्क क्या भैया जीरो। वर्क ये तीनों टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है भैया। तो अब देखिए भैया, वर्क हमें सबसे पहले फॉर्मूला देखना है, ठीक है भैया। तो आपको बता दूं भैया, जो वर्क का फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिए यहां पर लिख रहा हूं मैं, वी नो, वी नो वर्क क्या होता है भैया, एफ एक्स पॉजिटिव। आपको बता दूं ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगा, क्या होगा, हर कंडीशन में पॉजिटिव होगा ये, हर कंडीशन में, डिस्प्लेसमेंट भी हर कंडीशन में क्या होता है भैया, क्योंकि ये क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, ये भी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन आपको बता दूं कोस की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी और जीरो भी होगी। तो इसका मतलब जो वर्क आ रहा है आपका, जो वर्क आ रहा है वो इस कोस की वजह से पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो आ रहा है, बाकी ये तो बेचारे कुछ कर ही नहीं रहे, हर जगह पे पॉजिटिव ही है। तो यानी अगर वर्क पॉजिटिव आएगा तो वो भी कॉस की वजह से आएगा, वर्क नेगेटिव आएगा तो वो भी कॉस की वजह से आएगा, और वर्क जीरो आएगा तो वो भी कॉस की वजह से आएगा। अब क्यों आएगा चलो देखते हैं, ठीक है। चलो भैया मैं बात करता हूँ पॉजिटिव वर्क की, तो पॉजिटिव वर्क में क्या होना चाहिए भैया, कॉस थीटा पॉजिटिव, बोला हाँ, क्योंकि एफ एक्स तो बेचारे पॉजिटिव ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। कॉस थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा पॉजिटिव का होता तो बता दू भैया, जब एंगल क्या होता है, एक्यूट, क्या होता है भैया, मतलब लेस देन 90, यानी आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स क्या भैया एक दूसरे से थीटा एंगल पर है, और वो थीटा क्या हो भैया, एक्यूट हो, मतलब इन दोनों की डायरेक्शन क्या हो भैया, सेम डायरेक्शन, क्या हो, सेम डायरेक्शन। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, डायरेक्शन क्या भैया, सेम है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, तो उस केस में वर्क क्या आएगा भैया, पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा, क्योंकि उस केस में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। अब देखिए इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आपने मान लीजिए एक स्प्रिंग को खींचा, स्प्रिंग को खींचा, आपने फोर्स ऐसा लगाया और स्प्रिंग कहां गई, आगे की तरफ बढ़ गई। अब स्प्रिंग को खींचोगे आप तो स्प्रिंग क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन में ओपन होती है, ठीक है भैया। तो यानी देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, एक डायरेक्शन में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, एक डायरेक्शन में। तो यानी यहां पर क्या होगा, दोनों के बीच जब दो चीजें एक ही डायरेक्शन में होती है, तो उनके बीच में एंगल या तो जीरो होता है या 90 डिग्री से क्या होता है भैया, कम होता है। तो भैया इस केस में फर्क क्या आएगा आपका, पॉजिटिव रहेगा, क्या रहेगा, क्योंकि इस केस में कॉस थीटा आपका पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है। दूसरा केस नंबर टू, अब देखिए भैया आपने क्या किया, एक बकेट को उठाया, बाल्टी उठा रहे हो आप, ठीक है भैया, कुएं से। तो आप बकेट को उठाने के लिए फोर्स कहां लगाओगे, ऊपर, और इसमें डिस्प्लेसमेंट कहां होगा, वो भी ऊपर, फोर्स भी ऊपर, आपके द्वारा लगाया गया फोर्स भी ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है भैया, ऊपर, दोनों की डायरेक्शन क्या है यहां पर भी। तो इस केस में भी क्या आएगा भैया, यानी जब आप किसी बकेट को उठाते हो तो जो अप्लाइड फोर्स है, जो आप अप्लाई कर रहे हो, उसके डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, जब फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा तो फिर क्या आएगा आपका, पॉजिटिव। तीसरा एग्जांपल देखिए भैया, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है, ठीक है भैया, अब हाँ सब में पॉजिटिव आएगा भैया, 90 डिग्री से कम होगा तो पॉजिटिव है। अब तो थोड़ा तो है, थोड़ा तो है ना, ये भी उसी में, ये भी उधर की तरफ है, उस डायरेक्शन में, हाँ 90 पे तो ऊपर ही चले आता सीधा, ठीक है, ठीक है भैया। ओए तो भैया देखिए, वर्क जब आपका फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो नोट में लिख देना, व्हेन
एफ वेक्टर पैरेलल टू एक्स वेक्टर, तो वर्क क्या आएगा भैया इस केस में? पॉजिटिव। पैरेलल का मतलब होता है उनकी डायरेक्शन क्या हो भैया? सेम हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आते हैं, कॉपी मत करो वही पहले, ठीक है समझ लो। अब आते हैं नेगेटिव वर्क पे, तो नेगेटिव वर्क क्या होता है भैया? अगर नेगेटिव वर्क है तो इफ कॉस थीटा नेगेटिव होगा तभी क्या आएगा भैया आपका वर्क? नेगेटिव आने वाला, क्योंकि एफ और एक्स दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। एफ और एक्स दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, तो इसीलिए इसीलिए आपका वर्क क्या आएगा भैया? नेगेटिव। कॉस नेगेटिव तो वर्क भी क्या आएगा? नेगेटिव। तब देखिए कॉस नेगेटिव कब होता है? कॉस फिर फेल होगा। तू कॉपी करो, चलो कॉपी करो एक मिनट। हाँ ठीक है, खर्च लो एक मिनट। शांतनु ऑनलाइन है, चलो ये देखिए। ओए ध्यान दीजिए, अब ये वर्क नेगेटिव तो किसकी वजह से नेगेटिव होगा? कॉस की वजह से। अच्छा कॉस नेगेटिव कब होता है? तो जब आपका एंगल ऑब्ट्यूज होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स क्या है? उल्टा है। एंगल क्या होना चाहिए? ऑब्ट्यूज, ठीक है भैया। यानी डायरेक्शन क्या? फोर्स ऑन इस तरह की भैया, फोर्स इधर जा रहा है और सॉरी डिस्प्लेसमेंट इधर और फोर्स क्या रहा? उल्टा जा रहा है ना, उल्टा जा रहा है ना। ये ऐसे भी हो सकता है, 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 ये सब फोर्स हो सकता है। इन सब केस में क्या होगा? वर्क क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। डिस्प्लेसमेंट ऐसे, फोर्स ऐसे, फिर भी वर्क नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट ऐसे, फोर्स ऐसे, फिर भी वर्क नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट ऐसे, फोर्स ऐसे, फिर भी वर्क नेगेटिव। इन सारे केस में सब इसमें हाँ 91 पे भी नेगेटिव होगा। इसमें हाँ, इसमें देख लो आपका फोर्स ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, बस 90 नहीं होना चाहिए, तो हर केस में वर्क क्या आएगा भैया? पॉजिटिव आएगा। इस केस में ये कंडीशन होती है कि 90 से ज्यादा हो, कुछ भी हो, 180 तक आपका वर्क हमेशा ही क्या रहा है? नेगेटिव। 180 तक नीचे थोड़ी ना जाता कुछ भी, आपका ये प्लेन पे ही रहता है, इससे नीचे नहीं आना कुछ भी, ठीक है। तब देखिए भैया, यानी एंगल क्या होना चाहिए भैया? आपको ऑब्ट्यूस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो ऑब्ट्यूस एंगल के केस में जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ऑब्ट्यूस एंगल बनता है, तो उस केस में वर्क क्या आता है भैया? नेगेटिव। या कह सकते हो कि आपकी दोनों की डायरेक्शन क्या हो भैया? उल्टी हो, फोर्स इधर जा रहा हो, सॉरी डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा, फोर्स उधर उल्टा जा रहा हो, ठीक है। तो बहन एफ वेक्टर अपोजिट टू एक्स वेक्टर, देन क्या होगा भैया? वर्क क्या होगा? नेगेटिव आएगा। वर्क क्या आएगा बेटा? जब एफ और एक्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे तो वर्क क्या आएगा आपका? नेगेटिव आएगा। अब ध्यान दीजिए भैया एक मिनट की, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। चलो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, जब आप स्प्रिंग को खींच रहे थे याद है आपको, तो ये फोर्स और यहां पर डिस्प्लेसमेंट, तो ये अप्लाइड फोर्स था। क्या था ये? अप्लाइड फोर्स। तो ये जो वर्क कर रहा था वो तो पॉजिटिव था, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या थी? सेम थी। क्या थी? लेकिन भैया वहीं पर स्प्रिंग भी अंदर की तरफ फोर्स लगा रही थी, जिसे कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्या कहते हैं भैया? रीस्टोरिंग फोर्स, FR, इसका मतलब होता है रीस्टोरिंग फोर्स। अच्छा रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है भैया? कोई भी चीज को अगर हम उसे बिगाड़े और वापसी वैसे ही हो जाए वो, तो जिसकी वजह से ये, उसे रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो जब आप स्प्रिंग को खींचते हो तो स्प्रिंग भी तो अंदर की तरफ खींचती है, तो जिस फोर्स से अंदर की तरफ खींचती है वो वर्क क्या कहलाता है? वो फोर्स क्या कहलाता है? रीस्टोरिंग फोर्स। तो भैया आप देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट बाहर हो रहा है, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ लग रहा है? अंदर लग रहा है। तो रीस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से क्या है? अपोजिट है। और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से अपोजिट हो तो वर्क क्या आता है भैया? नेगेटिव आता है। तो यानी यहां पर क्या होगा? वर्क डन बाय किसके द्वारा? रीस्टोरिंग फोर्स। वर्क डन बाय क्या होगा भैया? क्या होगा? नेगेटिव। क्या होगा? अप्लाइड फोर्स का वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि अप्लाइड फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट से क्या भैया? उल्टा है। तो इस केस में वर्क क्या आएगा आपका? नेगेटिव आएगा। एग्जांपल नंबर दो, आप जब चलते हो तो मोशन इधर होती है, यानी डिस्प्लेसमेंट इधर है, और फ्रिक्शन कहां लगता है? पीछे। फ्रिक्शन कहां लगता है भैया? पीछे। दोनों के बीच में एंगल क्या भैया? 180 डिग्री, जो कि क्या होता है? ऑब्ट्यूस होता है। क्या होता है भैया? तो इस केस में भी एक दूसरे से अपोजिट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे से क्या है? अपोजिट है। तो इस केस में वर्क क्या आएगा भैया? वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। क्या होगा भैया? फोर्स। क्या होगा भैया? नेगेटिव। क्या कहलाएगा? इसका एक और एग्जांपल है, बहुत बेस्ट एग्जांपल है भैया। क्या है? थर्ड, जब आप बकेट को उठा रहे थे, जब आप आगे चलते हो तो फ्रिक्शन कहां लगता है? पीछे।
आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया फ्रिक्शन, दोनों एक दूसरे से क्या है अपोजिट है, यानी एंगल क्या बन रहा है ऑब्ट्यूज। तो यहां पर फर्क क्या है भैया, हेलो, हाँ ठीक ठीक कोई बात नहीं, ठीक ठीक है ठीक है। अब देखिए भैया तो यहाँ पर फर्क क्या होगा भैया आपका नेगेटिव, समझ गया। अच्छा आप जब आप बकेट को उठा रहे थे आपको याद होगा तो आपने फोर्स ऊपर लगाया था, कौन सा फोर्स, अप्लाइड फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा था ऊपर, तो अप्लाइड फोर्स ने जो वर्क किया था वो क्या था पॉजिटिव था, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों क्या थे सेम डायरेक्शन। लेकिन आपको पता है उस वक्त धरती भी इसको खींच रही थी, भाई यार कौन है यार, मैं क्लास ले रहा हूँ, बाद बात करूंगा जैसे पढ़िए हम सब। ठीक है भैया, तो अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या थी भैया सेम थी, इसलिए अप्लाइड फोर्स ने पर क्या किया था भैया पॉजिटिव किया था। लेकिन आपको पता है धरती भी तो खींच रही है इसको ग्रेविटी से, कहाँ खींच रही है ग्रेविटी भी क्या है फोर्स है, ग्रेविटी भी क्या है फोर्स है। ठीक है भैया, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है ऊपर और ग्रेविटी कहाँ लग रही है नीचे। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा इस केस में, वर्क डन बाय, हाँ बिल्कुल वेट ही तो ग्रेविटी होता है, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा भैया नेगेटिव। जब बकेट ऊपर जा रही है, और भाई जब बकेट ऊपर जा रही है तो उसी वक्त ग्रेविटी क्या कर रही है बकेट को नीचे खींच रही है, तो बकेट का डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटी एक दूसरे से क्या है उल्टी डायरेक्शन में है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा भैया नेगेटिव। अगला कैसे की जीरो वर्क, समझा रहे बुढ़िया, चलो भैया देखिए जीरो वर्क, भैया जीरो वर्क की तीन कंडीशन होती है, ठीक है भैया, या तो आपका फोर्स जीरो हो, या आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, या आपका कॉस थीटा ही क्या हो जीरो। तो पहले ये टुच्चों की बात कर लेते हैं, ठीक है भैया, एक बॉडी है जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट, देखिए फोर्स नहीं लग रहा लेकिन सब कुछ हो रहा है, फोर्स नहीं लग रहा लेकिन बॉडी चल रही है, एग्जाम्पल दे सकता कोई मेरे को, फोर्स नहीं लग रहा फिर भी बॉडी चल रही है स्पेस में, स्पेस में जो भी बॉडी की मोशन होती है वो किसी भी फोर्स के अंडर में नहीं होती, एक कॉमेट चल रहा है तो चलते जा रहा है सदियों तक चल रहा है कोई दिक्कत नहीं उसे, ठीक है भैया, धरती घूम रही है तो धरती को घुमाने के लिए एक फोर्स है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, लेकिन बाकी जो धरती की मोशन है उसको लगाने चलाने के लिए कोई फोर्स नहीं लग रहा, धरती को घुमाने के लिए कौन सा फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन धरती को चलाने के लिए कोई फोर्स नहीं है, तो यानी धरती की मोशन भी क्या हो रही है भैया बगैर फोर्स के हो रही है, यानी मोशन तो हो रही है लेकिन फोर्स नहीं है, और अगर बताइए भैया कोई फोर्स ही नहीं है तो वहां पे वर्क होगा, जहां पर फोर्स नहीं है तो वहां पे वर्क होगा। अबे आप वर्क कब करते हो, आप वर्क दे दे, अरे मैं देख रहा हूँ फोन भी है, तू ले ले तू रख ले, नहीं ए इधर देख ठीक, अरे चुप जा, अब देखिए भैया सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, तो स्पेस में जितनी भी मोशन होती है वो किसी भी फोर्स के अंडर में नहीं होती, ठीक भैया, तो मोशन ऑफ बॉडी इन अ स्पेस, मोशन मोशन ऑफ बॉडी इन अ स्पेस, उस केस में आपका फोर्स लगता ही नहीं है, और फोर्स नहीं लगेगा तो वर्क क्या होगा भैया आपका जीरो आएगा कुछ भी हो, लेकिन अगर फोर्स नहीं है तो वर्क क्या होगा जीरो, तो मोशन इन स्पेस में जो भी बॉडी मोशन कर रही है स्पेस में उसके ऊपर कोई फोर्स कोई वर्क डन। अब देखिए ये वाला केस देखिए, फोर्स भी है सब कुछ है लेकिन वर्क डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या हो रहा है जीरो जा रहा है, दीवार को आप धक्का दीजिए आप फोर्स लगाओगे, आप दीवार पे फोर्स लगा रहे हो, आप ट्रक को धक्का दे रहे हो, लेकिन ये चीजें डिस्प्लेस नहीं होती, आपके बस की बात नहीं है, ठीक है भैया, तो इस केस में वर्क डन क्या होगा जीरो होगा, किसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट की वजह से, तो भैया क्या होगा पुल पुलिंग और पुशिंग, पुशिंग मच मैसिव बॉडी, मैसिव कोई बहुत मैसिव बॉडी है बहुत मास वाली बॉडी को मैसिव बॉडी कहते हैं, ये भैया तो उस केस में वर्क क्या है भैया जीरो है, ये तो टुच्चे टॉपिक है, ये दोनों ही क्या है भैया साधारण से टॉपिक है कोई दिक्कत नहीं है, सबसे मेन टॉपिक ये है, ओए सबसे मेन टॉपिक ये है कि आपका जो वर्क डन आ रहा है वो कॉस थीटा की वजह से आ रहा है, ये सबसे मेन है यहाँ पर। अच्छा वर्क डन कॉस, अच्छा कॉस थीटा जीरो का मतलब थीटा क्या भैया 90, यानी आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे क्या भैया
परपेंडिकुलर है, मुझे पता ना थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर एंगल 90 है तो इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे क्या है भैया, परपेंडिकुलर। जिस केस में भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपके परपेंडिकुलर होंगे उस केस में वर्णन क्या आएगा, क्या आएगा भैया, जीरो आएगा। इसका एग्जाम्पल क्या भैया, कुली। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या भैया, कुली। पहला एग्जाम्पल कुली देख लीजिए, कुली क्या करता है भैया, देखिए देखिए कुली चीजों को ऐसे उठाता है ना, और लेके चलता है ऐसे, यानी उठाने में फोर्स ऐसे लगाया और चल ऐसे रहा, फोर्स ऐसे लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो इस केस में वर्णन क्या होगा भैया, जीरो, क्योंकि एंगल क्या है भैया 90। अब देखिए आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चीज घूमती है तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है भैया, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है सेंटर की तरफ। आपको पता है बॉडी जो डिस्प्लेस कर रही है वो ऐसे कर रही है, बॉडी डिस्प्लेस ऐसे कर रही है और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लग रहा है, अंदर लग रहा है। तो इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, बॉडी जो है वो सर्कमफेरेंस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कर रही है, किसके अलोंग कर रही है, और सेंट्रीपिटल फोर्स किसके अलोंग लग रहा है, रेडियस के अलोंग। और आपको बता दूं रेडियस और सर्कमफेरेंस एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा भैया आपका, जीरो। फटाफट फोटो ले भैया, खत्म। और मैं बंगाली मस्ती ने भी, बंगाली मस्ती ने, उसकी सर्जरी होगी उसकी महंगी। अब महंगी तो खराब है, हो गया, चलो भैया। अरे भैया रहने दे, ले ली फोटो अच्छी है ही ना, समझिए भैया। ओए प्लीज ध्यान दीजिए, अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लूं। चुप हो जा, नहीं मान रहा। देखिए भैया आपको याद होगा मैंने बताया था a डॉट b वेक्टर क्या होता है भैया, आपको a b cos थीटा याद है, इसे डॉट प्रोडक्ट कहते थे। अगर मैं देखूं, याद रखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, आपको पता है भैया वर्क क्या होता है, एफ एक्स cos थीटा, यही तो होता है। देखिए a डॉट b क्या होता है, ए बी cos थीटा, वर्क क्या होता है, एफ एक्स cos थीटा, ये दोनों सेम जैसे लग रहे हैं ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ डॉट एक्स, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, ए डॉट बी होती है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एफ डॉट एक्स होगी। यानी अगर आपको वर्क निकालना है तो या तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो या ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। तो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का कह रहा है इफ एफ वेक्टर इक्वल्स टू में थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप माइनस सिक्स के कैप एंड एक्स वेक्टर इक्वल्स टू में, ये है सेवन आई कैप प्लस फोर के कैप, इसमें जे नहीं है, अपना जे नहीं है इसमें, तो हम क्या करें भैया, सेवन सेवन आई प्लस जीरो जे प्लस फोर के, कोई दिक्कत नहीं भैया। आपको क्या निकालना है, फाइंड आउट वर्क, फाइंड आउट आउट। अभी मैं देखिए कुछ ही क्वेश्चन करा रहा हूं, क्योंकि जैसे सिलेबस होगा पूरा क्वेश्चन कराना चालू कर दूंगा। फाइंड आउट वर्क डन, वर्क डन आपको क्या निकाला भैया, वर्क डन। तो आपको पता है भैया ये वेक्टर जब भी आपको वेक्टर फॉर्म में दिया होगा, फोर्स भी वेक्टर में होगा, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर में होगा, तो आप इसका इस्तेमाल करोगे। जब आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया होगा, डिस्प्लेसमेंट दिया होगा और उनके बीच का एंगल दिया होगा, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। तो अभी आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इसका। तो भैया वर्क क्या होगा, फाइंड आउट वर्क डन। तो वर्क क्या होता है, एफ डॉट एक्स। तो भैया कुछ भी नहीं करना आपको, एफ की वैल्यू क्या रखिए बताइए, थ्री आई फोर जे माइनस सिक्स के। अच्छा एक्स क्या है, सेवन आई जीरो जे प्लस फोर के। अगर आपको डॉट याद है बहुत, अगर अच्छे से याद होगा, तो मैं सेम वालों को ही मल्टीप्लाई करता था, डिफरेंट वाले क्या होते थे, जीरो। तो तीन गुणे में सात क्या होगा, इक्कीस, आई डॉट आई क्या होगा, वन, याद है। चार गुणे में जीरो, जीरो जे डॉट जे क्या होगा, जे डॉट जे क्या होगा, वन।
माइनस छह गुणे में चार क्या होगा माइनस चौबीस और के डॉट के क्या होगा। तो भैया इसको सॉल्व किया हमने, हमारा आंसर आ रहा माइनस तीन जूल। क्या हो रहा भैया इसका मतलब क्या हुआ कोई बताएगा मुझे? इसका मतलब यह हुआ कि वर्क नेगेटिव कब होता है भैया? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे से उल्टे हो। यानी इस केस में यह फोर्स क्या है? एफ अपोजिट टू एक्स वेक्टर। समझ गए भैया? इसलिए आपका वर्क क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे अगले टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, कोई देखे नहीं, एक मिनट पूरा टेंशन होनी चाहिए क्योंकि मैं पीछे जितना सुबह करा रखा उतने कराऊ। टॉपिक का नाम है भैया एनर्जी। एनर्जी क्या होता है भैया? हाँ वर्क खत्म हो गया। अभी क्वेश्चन बहुत सारे हैं। कैपेसिटी टू डू दी वर्क या एबिलिटी टू डू दी वर्क या डूइंग वर्क। ठीक है भैया, एबिलिटी टू डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं भैया? ऊर्जा कहते हैं। ठीक है भैया, एसआई यूनिट क्या होगी बेटा इसकी? एसआई यूनिट जूल है ना, जूल लिखना या केजी मीटर स्क्वायर एस की पावर माइनस टू। बता दो भैया ये जो एनर्जी होती है ना ये कब आती है? जब आप किसी के ऊपर वर्क डन करते हो। तो एनर्जी इक्वल्स टू में, एनर्जी इक्वल्स टू में वर्क डन। अगर आपने किसी के ऊपर वर्क डन कर रखा है और आपको पता वर्क कितना कर रखा है तो आप उसके ऊपर तो नहीं क्या बता दोगे एनर्जी। तो एनर्जी बराबर में क्या है भैया? वर्क डन। टाइप ऑफ एनर्जी क्या है भैया? एनर्जी। तो भैया मैकेनिकल एनर्जी, और जब भी मैं मैकेनिकल एनर्जी की बात करूंगा तो उसमें केवल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा। केमिकल एनर्जी आप जानते ही होंगे केमिकल एनर्जी क्या होती है। केमिकल एनर्जी जब आप दो केमिकल को मिक्स करते हो तो उसके अंदर कुछ रिएक्शन होती है, उसमें हीट निकलती है, दैट इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। ठीक है भैया। फिर आता है भैया दो मैग्नेट के पास मिलाते तो मैग्नेट के पास भी एनर्जी होती है। जैसे मैग्नेटिक, यार इसे 12th में पढ़ना, मैग्नेटिक एनर्जी। दो प्लैनेट जो पास पास में बधे रहते तो उनके पास भी कुछ एनर्जी होती है। ठीक है भैया, उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बहुत सारी टाइप की होती है। ठीक है भैया एक्सेट्रा, यहीं पर रोक देते हैं। हमें केवल पढ़ना है इस चैप्टर में मैकेनिकल एनर्जी। क्या है भैया? तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है? मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है भैया? तो ये वो एनर्जी होती है जो वर्क की, मैकेनिकल वर्क डन की वजह से आती है। आप किसी के ऊपर भी चलाओ या फिर किसी को उठाओ तो इस तरीके से जो भी एनर्जी आएगी उसे क्या कहेंगे भैया? मैकेनिकल एनर्जी। क्या कहते हैं भैया? द एनर्जी ड्यू टू मैकेनिकल मींस, जो मैकेनिकल तरीका होता है भैया, आप किसी के ऊपर वर्क कर दो, किसी को उठा दो, किसी को फेंक दो, है ना, किसी के रेहता मार दो, तो इन सब केस में क्या हुआ? सर फोड़ दो। तो जो एनर्जी आई है ना उसे क्या कहेंगे? मैकेनिकल मींस। ठीक है भैया। तो हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, साइकिल चलाना, गाड़ी चलना, ये सब क्या कहलाएगा भैया? मैकेनिकल। हम केमिकल रिएक्शन की बात, यहाँ पर उसके अंदर फ्यूल चल रहा है इसकी बात नहीं कर रहे, हम गाड़ी चल रही है इसकी बात कर रहे यहाँ पर। ठीक है भैया। अब ये दो टाइप की होती है, क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी और दूसरी क्या होती है भैया? पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा काइनेटिक, पहला टॉपिक क्या है भैया? काइनेटिक। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भैया? वो एनर्जी जो मोशन की वजह से आती है। अब इस एनर्जी में जब भी मैं बात करूंगा तो हमेशा ऑब्जेक्ट क्या होगा? मोशन में ही होगा। तो एनर्जी पोजेस बाय द बॉडी, एनर्जी पोजेस बाय द बॉडी, पोजेस बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ, वर्च्यू मतलब क्या होता है भैया? गुण। बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। भैया वो एनर्जी जो मोशन की वजह से आती है, जो वह एनर्जी मोशन की वजह से आती है उसे हम क्या कहते हैं भैया? काइनेटिक एनर्जी। क्या कहते हैं? जहां भी मोशन होगा वहां पर ये एनर्जी पक्का होगी। समझ गए भैया? फोटो ले जल्दी से ले ले, शर्मा क्यों रहा है, फोटो ले, टाइम नहीं अपने पास। इसके बाद भैया जैसे सिलेबस खत्म होगा वन शॉर्ट वीडियो चलूंगी। ठीक है भैया, एक दिन में एक चैप्टर, एक दिन में एक चैप्टर, एक दिन में एक चैप्टर, सात दिन में सात चैप्टर। मिटो भी, मिटो हो गया, चलो भैया मिटो ना भैया। तो ओए काइनेटिक क्या होती है? वो एनर्जी जो मोशन की वजह से आती है, वो एनर्जी। अब इसके एग्जांपल देखिए भैया, इसके एग्जांपल है बहुत,
एक ही बात देखिए भैया, एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अ फास्ट मूविंग स्टोन कैन ब्रेक योर हेड, सर फाड़ सकता है आपका, एक तेज चल दो, क्यों, क्योंकि उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, जब वो आपके सर से टकराएगा तो आपके सर में हलचल पैदा कर देगा। अ फास्ट मूविंग बुलेट कैन पेनिट्रेट द वॉल या फिर कुछ भी, आपको एक बुलेट चलाओ उसके पास काइनेटिक होती है, वो इसी की वजह से क्या होती है आपके अंदर घुस जाएगी, ठीक है, मतलब कोई भी बॉडी जो चल रही है, अ फास्ट मूविंग ट्रक कैन डिस्ट्रॉय द कार, है ना, बहुत सारे एग्जांपल है, ये सब कार के इसमें क्या है, काइनेटिक है और उसका इस्तेमाल करके हम बाकी चीजें कर रहे हैं, ठीक है भैया, तो बहुत सारे एग्जांपल है इसका, अ फास्ट मूविंग, पहला एग्जांपल, अ फास्ट मूविंग बुलेट कैन पेनिट्रेट, ओए पेनिट्रेट दी वॉल, वॉल को चीट कर सकती है, एक फास्ट मूविंग जो बुलेट होती है वो वॉल में क्या कर सकती है, छेद कर सकती है, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वॉल में छेद कर देगी। दूसरा एग्जांपल, अ फास्ट मूविंग एरो, अ फास्ट मूविंग एरो, एरो ना तीर, अ फास्ट मूविंग एरो कैन पेनिट्रेट दी टारगेट, दी टारगेट, टारगेट को चीट सकता भी है, ठीक है, कोई भी टारगेट हो सकता है, ठीक है भैया। तीसरा एग्जांपल, अ फास्ट मूविंग ट्रक, अ फास्ट मूविंग ट्रक कैन डिस्ट्रॉय द कार, कार को डिस्ट्रॉय कर सकता, मतलब समझ गया भैया, अ फास्ट मूविंग गड्ढा कैन ब्रेक योर असर, ठीक है, बहुत सारे कह सकते हैं, अ फास्ट मूविंग रहता कैन ब्रेक योर टीथ, कौन है, अरे मेरे को आना पड़ेगा, मैंने बारहवीं में 6 बच्चों को मारा मैंने पिछले 8 दिनों में, और उसमें 2 बच्चे ट्यूशन छोड़ दिया, ओए बढ़िया, समझिए बेटा, एग्जांपल समझ में आ गया, अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, बोलो हाँ, एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, आप ध्यान दीजिए भैया, इसे समझ लीजिए, काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन वैसे सब जानते हो, हाफ एमवी स्क्वायर होता है, क्या होता है भैया, लेकिन आता कैसे, देखिए भैया, जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर वर्क करते हैं, एक बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, लेकिन जब हम उसके ऊपर वर्क करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो बॉडी क्या होगी, चलने लगेगी, और जब चलेगी तो उसके पास क्या होगी, वेलोसिटी आएगी, और वेलोसिटी की वजह से जो एनर्जी आती है उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक, यानी वर्क कर रहे हैं तो क्या रही है, काइनेटिक, यानी वर्क के बराबर क्या होगी, काइनेटिक, समझ में आई बात नहीं आई, तो चलो भैया देखते हैं एक्सप्रेशन में, तो भैया मैं ये चीजें लिखता, मेरी कमी है या फिर मेरी क्वालिटी है, जो भी अभी था, तो मैं और दूसरी मीटिंग ज्वाइन करना, तू कॉपी नहीं करती, तेरा एक भी नोट्स कंप्लीट नहीं है, ध्यान रखियो, कंप्लीट है क्या, नहीं है ना, नहीं है ना, पिटेगी अब तू, शांत बच्चों को ही बहुत मारता हूं मैं, एक लड़की थी, ये दीवार देख रही है, चुनवा दी है इसने, आज भी उसकी रात में भटकती है रात को,